तो भाई लोग, मैं हूँ काशिफ और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं बड़ी मियाँ छोटे मियाँ और मैदान मूवी की। दोस्तों, आप सबको तो पता है कि दोनों फिल्में 10 अप्रैल को ईद के मौके पर दोस्तों सिनेमा घरों में तबाही मचाने के लिए आ रही है दोस्तों। लेकिन भाई, ये एक दिन के लिए पोस्टपोन्ड हो चुकी है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब है कि एक दिन के लिए दोस्तों ये पोस्टपोन्ड हो चुकी है। यानी कि 10 अप्रैल को मूवी नहीं आएगी, 11 अप्रैल को मूवी रिलीज़ करी जाएगी। बाकी सारा मसला क्या है, क्यों ऐसा करा गया दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए चैनल सपोर्ट करें दोस्तों। दोस्तों, आप सबको तो पता है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान के बीच दोस्तों बहुत बड़ा क्रेश होने वाला है दोस्तों। इससे पहले बॉलीवुड के अंदर और साउथ के अंदर डंकी वर्सेस सालार हुआ था यहाँ पर देखा जाए तो। लेकिन भाई, ये दोनों मूवी बॉलीवुड की हैं और बॉलीवुड को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। नुकसान ऐसा होगा कि भाई दोनों फिल्में बॉलीवुड की हैं और दोनों ऑडियंस बॉलीवुड की जो ऑडियंस है दोस्तों वो बढ़ जाएगी। यानी कि जो फिल्म भाई 100 करोड़ का धंधा करेगी, बिजनेस करेगी भाई, वो 50 करोड़ में टिक जाएगी। क्योंकि भाई अजय देवगन की फैंस फॉलोइंग और अक्षय कुमार की फैंस फॉलोइंग दोनों ही सेम सेम है भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। अब बात करते हैं भाई दोस्तों, ये दोनों फिल्में एक दिन के लिए पोस्टपोन क्यों हुई है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि ईद मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से दोस्तों, ईद का कुछ पता नहीं होता कि भाई ईद 10 की हो जाए, 11 की हो जाए, 12 की हो जाए दोस्तों। यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा था तकरीबन कई सारे महीने पहले कि भाई ईद 10 तारीख की होगी दोस्तों। इसलिए भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान वाले दोस्तों ईद मतलब 10 अप्रैल करते हैं दोस्तों। ऐसा कई सारे फिल्मों के साथ हुआ, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस के साथ भी ऐसा हुआ था, जो कि भाई सलमान खान की फिल्मों के साथ भी ऐसा होता है कि भाई ईद का 1 या 2 दिन आगे पीछे हो जाती है फिल्म भी दोस्तों, उसी वक्त रिलीज करनी पड़ जाती है दोस्तों यहां पर देखा जाए तो। दोस्तों, अब मेकर्स का कहना है कि भाई अब इसके जो मतलब मूवी, तो भाई दोनों मूवी 11 अप्रैल को सिनेमा घरों में आएगी एक साथ एक वक्त पर एक ही शो पर दोस्तों यहां पर देखा जाए तो। कहने का मतलब है कि भाई दोनों फिल्में दबाकर क्रेश करने वाली है दोस्तों, इस तरह की बातें बताई जा रही है दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई 10 अप्रैल को दोनों का पेड प्रीव्यू रखा जाएगा, शाम को 6 बजे करीब दोनों फिल्मों का पेड प्रीव्यू रखा जाएगा। पेड प्रीव्यू का मतलब यह होता है कि कुछ कुछ सिनेमा घरों के अंदर, जो कि दोस्तों सिनेमा घर होते हैं जो बॉलीवुड के, जैसे कि मेरा न्यूज़ चैनल है दोस्तों, मैं जाकर मूवी देखूंगा, फिर मैं मूवी का रिव्यू करूंगा, फिर दोस्तों कई सारे लोग दोस्तों 11 अप्रैल को देखने जाएंगे, इस तरह का दोस्तों पेड प्रीव्यू बोलते हैं। मतलब गिने चुने शहरों के अंदर, कुछ थिएटरों के अंदर भाई मूवी शाम को रिलीज़ करी जाएगी, इस तरह की दोस्तों पेड प्रीव्यू होते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं भाई, पेड प्रीव्यू का कलेक्शन में दोस्तों मूवी में जोड़ा जाता है, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहां पर देखा जाए तो। कहने का मतलब है कि भाई दोनों फिल्में अब 10 अप्रैल को नहीं आएंगी, 11 अप्रैल को आएंगी दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भाई जो एडवांस बुकिंग चल रही है दोस्तों, उसमें मैदान मूवी आगे चल रही है दोस्तों, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। फिलहाल दोस्तों, आपको इस बात से कितना एक्साइटमेंट है दोनों फिल्मों को, आप कौन से फिल्म को सपोर्ट करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें भाई साहब।